हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के लेटेस्ट एयरबेस के बारे में इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। टोटल थर्ड एयरबेस होगा। डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी को, नौसेना को एयरबेस की आवश्यकता क्यों होती है, इसका यूज सिविलियंस भी कैसे कर पाएंगे। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, इन सब एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर UPSC प्रीलिम्स 2019। एक सवाल इंडियन नेवी से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। रिसेंटली जनवरी 2019 में इंडियन नेवी ने एक मैसिव नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, जिसका नाम है सी विजल नेवल एक्सरसाइज। ये नेवल एक्सरसाइज सिर्फ एक सर्टन लोकेशन में नहीं, पूरी इंडियन कोस्टल लाइन पे कंडक्ट करी गई थी, जो 7516 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन है। वहां पे वेरियस शिप्स यहाँ पे इन्वॉल्व थी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस मैसिव नेवल एक्सरसाइज में इनमें से किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी ने भी नहीं। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। सही आंसर हमेशा की तरह आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोग पूछ रहे कि डॉक्टर गौरव गर्ग कहाँ पे हैं। ही विल रिटर्न सून, बहुत ही जल्दी वो वापस आ जाएंगे। मोस्ट प्रॉबली वो फरवरी में वापस आ जाएंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, बी पेशेंट। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप अगर स्टडीज से हटके कोई बात लिखते हैं, जैसे इसको वोट करिए, उसको वोट करिए, आई विल डिलीट दैट कमेंट और उस अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। सीधा स्टडीज पर फोकस करिए। जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये 2019 के UPSC प्रीलिम्स में, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जस्ट फोकस ऑन दैट। रिसेंटली चाइनीज मिलिट्री ने एक बहुत ही कॉशियस तरीके से स्टेटमेंट दी है इंडियन नेवी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव को लेकर। जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन नेवी ने एक तीसरा एयरबेस कमीशन कर दिया है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, और इसको लेकर चाइनीज मिलिट्री ने बहुत ही कॉशियसली कहा है कि ठीक है, इंडिया को ये हक है, अंडमान और निकोबार बिलोंग्स टू इंडिया, और अगर वो वहाँ पे एक एयरबेस बनाते हैं तो वी एक्सेप्ट इट। अब ये वैसे एक चाइनीज मिलिट्री का ऑफिशियल बयान था, मगर ऑब्वियस ही बात है कि अंडमान में लगातार तीसरा नेवल एयरबेस देखकर चाइनीज मिलिट्री भी सोचेगी कि अब इंडियन एयरफोर्स, कि अब इंडियन मिलिट्री डिफेंस को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो रही है और इंडियन ओशन में अब कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो नए एयरबेस का नाम है INS कहोसा। नाउ INS कहोसा का एक मतलब भी है, इट हैज़ अ मीनिंग बिहाइंड इट एज वेल। देखो ये ट्वीट है आपके सामने, बाय द स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंडियन नेवी, यहाँ पे लिखा हुआ है, INS कहोसा अ न्यू बर्ड्स नेस्ट इन द अंडमान्स कमीशन्ड बाय एडमिरल सुनील लांबा। ये हैं यहाँ पे सुनील लांबा, और पीछे आप यहाँ पे देखोगे एक स्टैचू बना हुआ है जहाँ पर एक ईगल है, सफ़ेद रंग की ईगल है। इसका भी एक रैशनल है, रीज़न ये है कि जो INS कहोसा है, इसका वैसे नाम रखा गया है आफ्टर द वाइट बेलेड सी ईगल। अंडमान, काफ़ी हद तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर आपको इस टाइप की ईगल मिलेगी, वाइट बेलेड ईगल, और बहुत ही फेमस है। तो इसी ईगल के नाम पर ये INS कहोसा रखा गया है, लोकल लैंग्वेज में जो इसका नाम है उसी के नाम से INS कहोसा रखा गया है। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन नेवी के दो और इंपॉर्टेंट एयरबेस हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड में, उनमें से एक का नाम है INS उत्क्रोश, ये आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर में। उसके अलावा है INS बाज, ये आपको मिलेगा कैंप बेल बे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक फोटो है वाइट बेलेड सी ईगल की। नाउ INS कहोसा मैप में कहाँ पे, ये देख लेते हैं। एज यू कैन सी, ये है हमारा प्यारा भारत, और ये भी है हमारा प्यारा भारत आपके सामने, ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पे हमको फोकस करना होगा नॉर्थ अंडमान आइलैंड पे। और यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल जो नॉर्दर्न आइलैंड है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये है दिगलीपुर। ऑलराइट, ये एरियल बे के काफ़ी ज़्यादा करीब है, ये जो पानी है ना यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एरियल बे। और यहाँ पर इंडियन नेवी ने अपना एयरबेस बनाया है। ऑलराइट, अब देखो INS कहोसा एक नेवल एयरबेस है, ये बेसिकली रीनेम किया गया है एक सर्टन लोकेशन को। इससे पहले इस जगह पर था इंडियन नेवल स्टेशन शिवपुर, इसको बेसिकली रीनेम किया गया है, और NAS शिवपुर को कमीशन करके बनाया गया है INS कोहासा। शिवपुर बेसिकली एक नेवल एयर स्टेशन था, ये एयरबेस से छोटा होता है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर,
फैसिलिटीज़ काफ़ी हद तक लिमिटेड होती है, मगर अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है, बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी गई हैं और सरकार ने इस पूरे एरिया को डेवलप करके एक एयरबेस बना दिया है फॉर द नेवी। अब इसकी लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एयरबेस है ये कोको आइलैंड्स के काफ़ी ज़्यादा करीब है जो बिलोंग करते हैं म्यांमार को, और उसके अलावा इंडोनेशिया के भी काफ़ी करीब है और एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे हर साल हज़ारों कमर्शियल शिप्स गुजरती हैं। तो ऑब्वियसली बात है इससे इंडिया की जो प्रोग्रेस है इन द रीजन उसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अब सिंस मैंने कोको आइलैंड का मेंशन किया तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको प्रॉपरली बताऊँ मैप पे कि कोको आइलैंड है भी कहाँ पे म्यांमार के। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये म्यांमार है यहाँ पर, और उसके काफ़ी दूर यहाँ पर अंडमान के नॉर्दर्न साइड पे आपको कुछ टापू दिखेंगे, ये है ग्रेट कोको आइलैंड, ये बिलोंग करता है टू म्यांमार, ऑलराइट। और नीचे यहाँ पे फिर नॉर्थ अंडमान स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये म्यांमार के आइलैंड के बहुत ज़्यादा करीब है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ठीक है ये एक मिलिट्री बेस है, एयर बेस है, नेवी के लिए मिलिट्री पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, मगर इससे आम नागरिक को सिविलियंस को क्या बेनिफिट होगा। देखो INS कोहासा विल ऑल्सो फंक्शन एज ए बेस फॉर जॉइंट ऑपरेशन फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन एयरक्राफ्ट इन कीपिंग उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम के अंडर यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट होगी, कल को टूरिज्म यहाँ पे बूस्ट करना है, तो सिंस यहाँ पे जो एयर स्ट्रिप्स बनेंगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होंगी, तो वहाँ पर जो वाइट पेंटेड एयरक्राफ्ट होते हैं, देखो एयरक्राफ्ट भी दो टाइप के होते हैं, जो वाइट पेंटेड होते हैं वहाँ पे सिविलियंस ट्रैवल करते हैं, जो थोड़ा सा ग्रे पेंटेड होते हैं वो मिलिट्री के होते हैं। आप नोटिस करेंगे रफायल, मेग, मिराज जो भी विमान हैं वो ग्रे पेंटेड होते हैं और जो वाइट हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये उड़ान स्कीम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है नेवी को एयरबेस की आवश्यकता क्यों है, नेवी में तो शिप्स होती हैं, एयरबेस होता है एयरफोर्स का, तो यहाँ पे नेवी का एयरबेस क्यों। देखिए इसका रीज़न है क्योंकि नेवी का भी एक एयर विंग होता है, नेवी के पास भी अपने विमान होते हैं, क्योंकि नेवी को एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करना होता है। इंडियन नेवी एज यू नो के इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, तो पूरे एरिया को मॉनिटर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर एयर सुपीरियरिटी भी चाहिए, और उसके अलावा आर्मी के पास भी आपको कुछ हेलीकॉप्टर मिलेंगे, और नेवी के पास जो हेलीकॉप्टर हैं ही उसके साथ साथ बहुत ही अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट भी हैं, फॉर एग्जांपल P-81 नेपच्यून जिसको हम पोसाइडन भी कहते हैं, बोइंग का पोसाइडन, ये सबमरीन को हंट करने के लिए बनाया गया है, ये USA से हमने लिया था, बहुत ही ज़्यादा महंगा एयरक्राफ्ट है, तो इसे नेवी इस्तेमाल करती है सबमरीन दुश्मन की पनडुब्बी को लोकेट करने के लिए, ये इसकी फ़ोटो है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं डॉक करने के लिए आपको एयरबेस चाहिए होगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि नेवी के बहुत सारे चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, डॉर्नियर शॉर्ट रेंज सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, तो ज़्यादातर सर्वेलेंस करने के लिए पनडुब्बी कहाँ पे है पता लगाने के लिए, या फिर कुछ केसेस में पनडुब्बी को अटैक करने के लिए भी नेवी के पास खुद के एयरक्राफ्ट होते हैं, और इसीलिए ये एयरबेस यहाँ पर बनाया गया है। तो वापस आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे कि रिसेंटली जो सी विजल नेवल एक्सरसाइज हुई थी यहाँ पर किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए ऑब्वियसली बात है इंडियन नेवल एक्सरसाइज थी तो इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया ही होगा, मगर इंडियन नेवी के अलावा किसी भी और कंट्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, ना USA ने, ना जापान ने, ना ऑस्ट्रेलिया ने, तो हमारा आंसर हो गया डी नन। ये बेसिकली एक इंडियन नेवी की बहुत ही बड़ी मैसिव नेवल एक्सरसाइज थी ताकि आने वाले समय में 26/11 जैसे अटैक ना हो पाए, जो हमारी कोस्ट लाइन है वो प्रॉपरली गार्डेड रहे। सो ये था टोटल एनालिसिस इंडिया के नए नेवल एयरबेस का इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।